हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। इंचेस को लेकर के कंफ्यूजन रहती है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं टाइप करता हूँ 6.6, तो जैसे ही मैं टाइप किया तो यहाँ आप देखेंगे 6.60 यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है किस चीज में, इंच में। ठीक है, ये किस में लिखा है, इंच में लिखा है। तो इस तरीके से आप इंच में लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा गया है उसको मैं बता देता हूं आपको पूरा डिटेल, ताकि आपको भी पूरा क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से लिखा गया है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया में आपको ये काम करना है। मान लीजिए इतने ही एरिया में हमें काम करना है ये वाला, यानी कि हम चाहते हैं इतने एरिया में इंचेज में आए, जो भी लिखे हम अपने आप इंचेज में आ जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये बड़ा आसान है और एक बार देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका और आसानी से कर भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है फॉर्मेट सेल्स पे। ठीक है, ये चले गए फॉर्मेट सेल्स पे। जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे कस्टम दिखाई दे रहा होगा। कस्टम पे आ जाइए, कस्टम पे आने के बाद इसको हटा दीजिए, ये जो डेट है। अब यहाँ पे लिखना है आपको 0.00, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे लगाइएगा डबल कोट्स, फिर लगाइएगा दो बार सिंगल कोट्स, पहले डबल कोट्स लगाया फिर दो बार सिंगल कोट्स लगाया, फिर डबल कोट्स को क्लोज करके ओके कर दीजिएगा, बस काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे तो वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7.8 कर दिया, तो ये देखिए 7.8 इंचेस इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9.90 किया तो देखिए उसी तरीके से आ रहा है। तो ये फॉर्मेट अगर आपको बनाना है तो आसानी से बना सकते हैं आप। इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाया, इसको सेलेक्ट किया, प्लस इसको सेलेक्ट किया, तो क्या यहाँ ऐड करेगा, एंटर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही ऐड करके दे रहा है ये। ठीक है, अगर आप इसको भी फॉर्मेट वही लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे जाइए और यहाँ से कस्टम पे जाइए और वही सेम फॉर्मेट जो कि वहां पे लगाया था, वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी लगाने की जरूरत है, तो वही सेम फॉर्मेट यहाँ भी लगा दीजिए आप, तो बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 0.00 जिस तरीके से वहां लिखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी लिखना है 0.00। फिर डबल इंटेड कोट्स ओपन रहेगा, फिर यहाँ पर एक बार सिंगल इंटेड कोट्स, फिर दूसरी बार सिंगल इंटेड कोट्स, फिर यहाँ पे डबल इंटेड कोट्स क्लोज और एंटर, तो बस हो गया काम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंचेस में आना शुरू हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके।